26 अक्टूबर को आने वाली होलनाक जलजले से खैबर पख्तूनख्वा के 147 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से बेशतर तबाह हो गए हैं, जबकि बास की इमारतें शिकस्ता हो गई है। पिशौर के इलाके करीमपुरा में वाक़ गर्ल्स मिडिल स्कूल की कदीम इमारत में भी तारीख के बदतरीन जलजले से दरारें पड़ गई हैं। 1928 में इस इमारत को आर्य समाज के पैरोकार मंदिर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, बाद इस स्कूल के लिए वक्फ कर दिया गया। 3 मंजिला स्कूल में 200 से ज्यादा तालिबात ज़ेरे तालीम हैं, जो क्लासों में जाने से गुरेज़ां हैं। पहले बहुत ज़्यादा शौक से स्कूल आते थे, पर अभी बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ऐसा ना कि हम पे ये इमारत गिर जाए। स्कूल आ रही होती हूँ तो साथ वाली बिल्डिंगों का गिरने का ख़तरा होता है, और हम लोग यहाँ पे खौफ के आलम में बैठे होते हैं और हमें टीचरें तसल्ली देती हैं। स्कूल इंतजामिया ने मुकम्मल तालीम को स्कूल की महदूस इमारत के बारे में बाकायदा तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक स्कूल को बंद करने या मुंतकिल करने का कोई फैसला नहीं किया गया है। स्कूल से मुलहिक दीगर इमारतें भी महदूस हो गई हैं। हुकूमत के नाइली क्योंकि जलजले की वजह से इलाका सारा मुतासर हुआ है और स्कूल के बच्चों के भी ख़तरा है, और स्कूल वाले हुकूमत बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 1928 में इसकी तामीर हुई थी, पहले जो 2005 में जलजला है उससे भी शदीद मुतासर हुई है, और अब जो जलजला है इससे ज़्यादा खस्ता हाल हो गई है। जलजले से स्कूल की बैरूनी चार दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। इमारत का गलियों में गिरने वाला मलबा भी तहाल इंतजामिया की जानिब से नहीं उठाया गया, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।